हाय, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं हूँ फैजान और आप है स्कैनकार्स के साथ में। एंड जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, थंबनेल पर क्लिक करके आप इस वीडियो में आए होंगे। जी हाँ, आज आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम अलग अलग आईसी के जो है डेटा शीट्स को पढ़ते हैं। ओके, हम आईसी की डेटा शीट जब ओपन करते हैं उसको किस तरह से समझा जाता है, एक बिल्कुल यूनिवर्सल मेथड पे समझेंगे। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने, कई लोगों ने यहाँ पर जो है, जो इस वीडियो पे आए हैं, वो तभी आए होंगे जब उनको ये तकलीफ आई होगी। एंड आप जानते होंगे कि जब डेटा शीट में एंटर करते हैं तो 100 पेज, कभी 200 पेज, कभी 500 पेज, कभी 10 पेज, कभी 2 पेज की डेटा शीट अवेलेबल होती है। बट अक्सर हम कंफ्यूज रह जाते हैं कि आखिर इसको पढ़े कैसे, इतने सारी डिटेल्स है, इसमें से हमें कौन सी जरूरत है। करेक्ट है कि आखिर मुझे क्या चाहिए, सबसे बड़ा सवाल होता है, मुझे चाहिए क्या इसमें से। तो आज वो सवाल का जवाब भी हम करेंगे और साथ ही साथ उसको, उसमें से आइडेंटिफाई कैसे करना है जो डिटेल्स हमको चाहिए होती है, वो भी पता करें। तो एंड तक वीडियो के दोस्तों बने रहना, मेरी आप लोगों से दरखास्त है, क्योंकि आपको इसमें बहुत फायदा होगा। बिकॉज आईसी डेटा शीट पढ़ना एक ऐसी ताकत है जो कि क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम्स भी हमको सॉल्व करने के काबिल बना देती है। अब देखिए, ये वीडियो के अंदर में हम बेसिक डिटेल्स जानेंगे किस तरह से जो है इस डेटा शीट को पढ़ा जाता है, अलग अलग डेटा शीट को पढ़ा जाता है। इन डेप्थ डिटेल में डिफरेंट डिफरेंट आईसीज का अगर आपको सीखना है तो उसके लिए एप्लीकेशन के ऊपर में ही पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, जो कि खुद अपग्रेडेबल है। ईसीयू रिपेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग का जो है पूरा कोर्स अवेलेबल है, जो कि खुद अपग्रेडेबल है, जिसमें इवेंचुअली ईवीज, बाइक से लेकर के आपके ट्रक्स, कार्स का सभी के ईसीएम टू ईसीएम अलग अलग प्रॉब्लम्स और अलग अलग सर्किट्स उनके जो है वो डाले जाएंगे, जो लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों ही मेथड के ऊपर में आपको अवेलेबल है। लाइव क्लासेस भी चलती हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी है, ताकि आप अपने कंफर्ट पे, अपनी जगह से एनी टाइम जब भी आपको दिक्कत हो रही है, आज नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, जितनी बार चाहे आप उसको देख पाएंगे फॉर द टाइम पीरियड जो आपको कोर्स होगा। तो वो भी जरूर चेकआउट कर लेना अगर आप सीरियसली अपने रिपेयरिंग करियर को आगे ले जाना चाहते हैं और उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, तो हम आ जाते हैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अब आईसी डेटा शीट, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप जब एप्लीकेशन में आएंगे तो फर्स्ट पेज आपको यही दिखेगा। अब आईसी डेटा शीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आईसी डेटा शीट में जाने के बाद में हम ये आपको, अगर आप जब आप परचेज कर लोगे तो आपको उसके बाद में ये ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे ओपन है, ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ में हमने क्लियरली लिख के भी दिया, लाइफ टाइम वैलिडिटी विथ रेगुलर आईसी डेटा शीट अपडेट। हर वीक ऑलमोस्ट नई नई आईसी जो है उसकी अपडेट हम लोग करते रहते हैं। ये डेली करते करते आज आपको 81 फाइल्स जो है अवेलेबल है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 81 फाइल्स आज अवेलेबल है प्लेटफॉर्म के ऊपर में। जैसा मैंने कहा, ये 3000 से ज्यादा हो जाएंगी बाय द टाइम ये ईयर कंप्लीट होगा, 2024 कंप्लीट होगा। तो अब आगे बढ़ने के लिए हमको यहाँ टॉप में देखना है, परचेस होने के बाद में आपको कंटेंट पे क्लिक करना है। अब जब कंटेंट पे चले जाएंगे तो कंटेंट में आपके पास में यहां पर बाहर भी ये डेटा शीट्स हैं और साथ ही साथ में ये आप फोल्डर के अंदर जो देख रहे हो, ऑल आईसी डेटा शीट फोल्डर के अंदर भी है, ताकि किसी को अगर स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर आईसी के हिसाब से देखना है, जैसे आगे जाने के बाद बहुत सारी हो जाएगी, तो अगर आपको सिर्फ पावर आईसी की देखनी है तो पावर आईसी की अलग रखिए, टेक्निकल डेटा शीट सेपरेट रखिए, ईप्रॉम का अलग रखिए, मॉसफेट की अलग रखिए, ड्राइवर आईसी की अलग रखिए, एमसीयू की अलग रखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा शीट्स हैं उसको सेग्रीगेट किया गया, ताकि जब आगे बहुत सारे आ जाए तब भी आप आसानी से ढूंढ सके। या यहाँ पर कॉमनली है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है। अगर हम सर्च पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स से मुझे सर्च करना है TLE इन्फिनियन की आईसी, तो यहाँ पर देखिए TLE 6232 GP। अब मैं जितनी भी TLE की डालते रहूंगा वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। या मैं सर्च कर रहा हूँ 30, तो 30 से शुरू होने वाली जितनी भी आईसी है, जैसे मुझे 30471 देखना है, 3536 देखना है, 343 देखना है, 620 देखना है, 682 है, 682 है, उसके बाद में आपका यहाँ पर 30554, 30639। तो ये जैसे आप जैसे देखिए 30 में बहुत सारे, TLE में एक ही फिलहाल थी, बट 30 में अभी यहाँ पर बहुत सारी है। तो कंटिन्यूसली जब अपडेट आता रहेगा तो आपको यहाँ पर सर्च करके डायरेक्टली मिल जाएगा, यानी उतनी फाइल्स होंगी तब भी आपको तकलीफ नहीं होगी। जो आईसी के ऊपर आपके नंबर लिखा हुआ है वो आईसी का नंबर आपको यहाँ पुट करना होगा और आपको मिल जाएगा। ओके, तो कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल है। अब इसमें से मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि डेटा शीट जो है वो डिफरेंट टाइप्स की इसके अंदर में, तो प्राइमरीली दो टाइप की डेटा शीट है। ओके, पहली आपकी टेक्निकल डेटा शीट, दूसरी है आपकी जो सेल्फ मेड डेटा शीट्स, जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, हम खुद बनाते हैं ताकि
जिसमें टेक्निकल और टेक्निकल को और वर्किंग बोर्ड को दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है कि एक वर्किंग बोर्ड से जब ट्रैकिंग करके उसका पूरा का पूरा जब हम पूरा डिटेल निकालते हैं, वर्किंग बोर्ड से जब हम डिटेल निकालते हैं तो आईसी का जो है पूरा उसका चार्ट तैयार होता है, तो वो हमने खुद बनाई है। तो अगर आपको आईसी का सिंपल एक चार्ट दिख रहा है, एक डायग्राम के अंदर में सारे पिन के कनेक्शन है, वो सेल्फ मेड है। देन एक आती है टेक्निकल डेटा शीट, जो बाहर भी गूगल पे भी अलग अलग जगह पर अवेलेबल है। बस वहां पर क्या है कि हर चीज की है, आपको वहां पर मोबाइल, लैपटॉप, आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो भी बोर्ड आते हैं, जो भी आईसी उनमें लगती है, उन सबकी डेटा शीट मिल जाएगी। यहां पर आपको सेग्रीगेटेड मिलेगी, आप यानी एप्लीकेशन के ऊपर हम सिर्फ वही डालने वाले हैं जो हमारे ऑटोमोटिव में आता है, तो ये बहुत कंजेस्टेड नहीं होगा। साथ ही साथ वो तकलीफ भी नहीं होगी कि सेम नंबर की चार आईसी आ गई, अब मेरी वाली कौन सी है, देन उसमें हमको और डीप में डाइव करना पड़ता है। तो ये सारे आपके काम बचा आसान करने के लिए हमने खुद जो है उसको इजी करके यहाँ पे फिल्टर करके उतने ही रखे हैं जो हमारे एप्लीकेशन में काम आते हैं, तो वो आपको आसानी मिल जाती है एक यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं सिंपल डेटा शीट की, तो जैसे मैं पावर आईसी डेटा शीट में यहाँ चले जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए मुझे अलग अलग आईसी की डेटा शीट अवेलेबल है। अब यहाँ पर फिलहाल दो अलग अलग टाइप से है। ओके, अल्टीमेट गोल जो है वो यही है कि आईसी के पिन आउट ही पूरे के पूरे मिल जाए, कि आईसी के हर पिन का कनेक्शन कहाँ जाता है वो मिल जाए। वो कुछ आईसी के हमने ऑलरेडी बना ली है, उनके अवेलेबल है, और जिनके यहाँ पर सिर्फ वोल्टेजेस अवेलेबल है उनके भी ऑन द वे है, वो भी आ जाएंगे। जैसे अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर 30639 में, ओके, यहाँ पर 30639 आईसी जो है हमारी, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बॉश कैफिको ईसीएम पावर आईसी है, यानी कैफिको के ईसीएम के अंदर आएगा। बट याद रखिएगा सिर्फ कैफिको में ऐसा जरूरी नहीं है, और भी ईसीएम में आती है, ह्युंडई i20, i10, वरना पेट्रोल जो का जो ईसीएम उसमें आता है। अब यहाँ आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर पिन नंबर भी दिया हुआ है, साथ ही साथ में ये भी बताया हुआ है कौन सी पिन कहाँ जाती है, जैसे 34 नंबर पिन 5 वोल्ट 2 माइक्रो प्रोसेसर पिन। अब जैसे रिसेंटली एक प्रॉब्लम है कि माइक्रो प्रोसेसर है वो ऑन नहीं होने की वजह से आपका बोर्ड जो है ना वो चल नहीं रहा। अब ये काम पता करते करते मैं आपको लिख करके दे देता हूं, अगर आप सीरियस इसको लेंगे तो आपको कम से कम एक हफ्ता जाएगा उसको पूरी तरीके से प्रॉब्लम ढूंढने के लिए। ये डेटा शीट आपको आसान कर देती है कि इसने बोल दिया 34 पिन से सप्लाई जाना चाहिए एमसीयू के ये दो पिन पे, सीधा चेक कर सकते हैं हम लोग ये दो पिन पे सप्लाई आ रहा है या नहीं। तो एक ये टाइप की डेटा शीट अवेलेबल है। अब इसको समझना ज्यादा मुश्किल है नहीं, बिकॉज पिन नंबर साफ दिए हुए हैं, सामने कितना वोल्टेज आएगा दिया हुआ है और कहां पर जाएगा ये भी दिया हुआ है। ओके, जिससे कि आपको समझ में आ जाता है कि ये कर क्या रही है आईसी। तो अल्टीमेटली आपको यही टाइप के जो है डेटा शीट सारे ही आईसी के मिलना शुरू हो जाएंगे। बट मीनवाइल यहां पर हमारे पास में एक और एक टाइप का जो है डेटा शीट अवेलेबल है। जैसे अगर मैं 30529 ओपन करूं तो यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको अलग अलग आईसी के देखिए फोटोज मिल गए यहां पर, डिफरेंट डिफरेंट आईसीज के। तो ये सारे जो है एक्चुअली सेम है, इस वजह से एक साथ रखा हुआ है, और सभी के जो यहां पर वोल्टेजेस है यही वोल्टेजेस हर एक के अंदर में आने वाले। ओके, तो आप देख सकते हैं हर एक पिन के सामने यहां पर क्लियरली जो है वोल्टेज लिख दिया गया है। अब नाउ ये क्या है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेस्टिंग का प्रोसेस यहां पर जो है ना थोड़ा चेंज हुआ है। पॉजिटिव वोल्ट्स आते हैं जब नेगेटिव प्रोब ग्राउंड पर रखते हैं, और नेगेटिव वोल्ट्स आते हैं जब पॉजिटिव प्रोब को पॉजिटिव सप्लाई पर रख के नेगेटिव को नेगेटिव पिन प्रोब से जो है वोल्टेज चेक किए जाते हैं। अगर आप इसको इसको वीडियो में देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली होते हुए देखना चाहते हैं, तो एज अ सेड इसका डिटेल ट्रेनिंग वीडियो जो है पूरा हमारे कोर्स के अंदर में अवेलेबल है कि ये टेस्टिंग किस तरह से की जाती है। ये स्पेसिफिकली एक बहुत ही बढ़िया मेथड के ऊपर में ट्रेनिंग निकाली हुई है, जिससे कि यकीन मानिए गाड़ी के ऊपर भी और बोर्ड के ऊपर का भी हमारा काम जो है ना वो बहुत ज्यादा आसान हो गया, बहुत फास्ट हो चुका है, ठीक है, ये वोल्टेज टेस्टिंग के प्रोसेस से। तो सिंपली पॉजिटिव पर क्या है, देखिए यहाँ पर लिख दिया टेस्टिंग कैसे करना है, वो यहाँ पर लिख करके भी दिया है, आप समझ जाएंगे आसानी से पढ़ करके और आप कर भी पाएंगे। तो पॉजिटिव वोल्ट्स आते हैं जब नेगेटिव प्रोब को ग्राउंड पर रख के प्लस से हम वोल्टेज चेक करते हैं, नेगेटिव वोल्ट्स हमको मिलते हैं जब प्लस को हम प्लस पे रखते हैं और माइनस को हम ग्राउंड पे माइनस से हम वोल्टेज चेक करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, कई इसमें ये तरीके से टेस्टिंग में आपको लाइन ट्रैकिंग भी नहीं करनी पड़ती है। अगर वोल्टेज इनकरेक्ट आ रहा है, जैसे ये वोल्टेज दिखा रहा है, ये वोल्टेज अगर नहीं आ रहा है, तो आपका सीधे सीधे क्लियर बात है कि भाई लाइन अब ट्रैक करनी ही पड़ेगी, अब प्रॉब्लम है। क्योंकि सिर्फ प्लस का वोल्टेज लिखेंगे तो डाउटफुल होता है कि अरे थोड़ा ऊपर नीचे तो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ये जितने भी वोल्टेजेस हैं ये सारे सेट किए हुए हैं कि अगर आपका बैटरी सप्लाई 12 वोल्ट है, बट ये नेगेटिव के वोल्टेज चेंज हो जाते हैं अगर आपका बैटरी सप्लाई जो है 12 से ज्यादा है या 12 से कम होगा। तो अगर आपका पावर सप्लाई ही 12.5 वोल्ट से 13 वोल्ट से 14 वोल्ट तक अगर आपका बैटरी पावर सप्लाई आ रहा है,
ठीक है, अडेप्टर से। कभी कभी होता है कुछ कुछ 12 वोल्ट के अडेप्टर 13 वोल्ट 13.5 वोल्ट भी दे देते हैं, 12.5 वोल्ट दे देते हैं, कोई कोई 11.5 वोल्ट पे रुक जाते हैं। तो अगर ऐसा केस होता है तो उस केस कंडीशन के अंदर में फिर ये जो आपको दिख रहा है नेगेटिव के अंदर में 12 वोल्ट यहाँ पर, ये चेंज हो जाता है। तो अगर 13.5 था बैटरी सप्लाई, तो यहाँ नेगेटिव में 13.5 आ रहा होगा अगर पॉजिटिव में 0 है तो। तो ये मेथड के ऊपर में डिटेल जो है ट्रेनिंग वीडियो अवेलेबल है, बट ये एक डिटेल आपको जाननी जरूरी है कि ये जो वोल्टेजेस है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं चेंज होगा, नेगेटिव चेंज हो जाएगा अगर आपका बैटरी सप्लाई ज्यादा होगा या कम होगा। ये फिलहाल जो नेगेटिव सप्लाई लिखा गया है ये 12 वोल्ट के अडेप्टर, प्रॉपर 12 वोल्ट आ रहा था तब लिखा गया है। अगर वोल्टेज आपका कम हो जाता है ज्यादा हो जाता है तो ये नेगेटिव वोल्टेज जो है चेंज होंगे, बट पॉजिटिव के अंदर में मुश्किल से 1% का फर्क होगा, 1% से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। यानी ये 3.33 है तो यहाँ पर 3.30 या 3.36 या 3.7 तक का वोल्टेज चल जाएगा, उतना थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। बट नेगेटिव में आपको 1 से 1.5 से 2 वोल्टेज भी फर्क मिलेगा डिपेंडिंग ऑन योर बैटरी सप्लाई। ये नोटवर्दी पॉइंट है जो इस ट्रेनिंग सेशन में आपको देना है मुझे। इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे टेक्निकल डेटा शीट के ऊपर। ओके, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया हो कि ये पर्टिकुलर डेटा शीट कैसे करना है। अब चलिए हम चले जाते हैं हमारे टेक्निकल डेटा शीट के ऊपर। ओके, जो कि डायरेक्टली यहां पर मेन मेन्यू से दिया हुआ है टेक्निकल डेटा शीट। अब इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है एंड थोड़ा सा ज्यादा अपना माइंड इस्तेमाल करना पड़ता है। बिकॉज जैसे अब यहां पर देखिए TLE8110EE, तो ये आईसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब ये जो है ये पेट्रोल के ईसीएम में आती है और इंजेक्टर ड्राइव करती है, इंजेक्टर ड्राइव करती है, रेडिएटर फैन ड्राइव करती है, अलग अलग रिलेज और सोलनाइट्स को चलाने का काम इसका है। यहां पर देखिए लिखा भी है ऑटोमोटिव पावर, हालांकि ऑटोमोटिव पावर सब पावर आईसी नहीं है, ये आपकी ड्राइवर आईसी है। ओके, तो यहां पर अब सबसे पहले सवाल आता है कि टेक्निकल डेटा शीट में जाने का सर पढ़े क्या। तो टेक्निकल डेटा शीट में आपको सबसे पहले जो चीज ढूंढनी है, देखिए हमको पता है कि हमारा नंबर मैच कर रहा है, अब अगली चीज जो हमको सबसे पहले ढूंढनी है वो ये ढूंढनी है कि डेटा शीट के अंदर में हमारी आईसी की बॉडी कैसी दिखती है। क्या मेरी जो बॉडी फिजिकली मेरे बोर्ड पे लगी है वो, और क्या यहाँ पर जो वीडियो में दिया हुआ है, यहाँ जो फोटो में दिया हुआ है, ये दोनों भी मैच कर रहे हैं। अब ये बॉडी पहली बार मिलेगी कहाँ? जैसे अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर डेटा शीट ही अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये डेटा शीट ही देखिए कितने पेज की है, 73 पेजेस की डेटा शीट है, 73 पेज। अब 73 में से कहाँ ढूंढते बैठेंगे, किसके पास इतना वक्त है? इसलिए एक शॉर्टकट आपको दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। शॉर्टकट ये है कि आपको पूरे पीडीएफ में आपको सिर्फ ढूंढना है पिन डिस्क्रिप्शन, पिन कॉन्फ़िगरेशन, पिन असाइनमेंट, टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन, टर्मिनल असाइनमेंट, पिन असाइन, पिन डेफिनेशन, पिन फंक्शन, टर्मिनल फंक्शन, ये इनमें से कोई भी नाम दिया हुआ है, पिन कॉन्फ़िगरेशन, पिन असाइनमेंट, पिन लेआउट, टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन, टर्मिनल लेआउट, ओके, पिन डेफिनेशन, ये कुछ अगर आपको नाम दिखाई देते हैं इस इंडेक्स में ही या पीडीएफ के अंदर, अगर इंडेक्स नहीं दिया तो पीडीएफ में, आपको सीधे वहां जंप करना है। जैसे यहाँ पिन कॉन्फ़िगरेशन दिया है, अब यहाँ पर कुछ कुछ पीडीएफ जो है क्लिकेबल होते हैं, यानी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए मुझे जंप करके ले आया सीधे, तो ये बहुत फायदेमंद हो जाता है हमारे लिए। अब हमको इसके अलावा ना पूरी डेटा शीट में कुछ नहीं देखना बिगनिंग लेवल के लिए, एडवांस लेवल के ऊपर में हम बहुत सी चीजें इसके अंदर से देखते हैं जिससे कि आपकी डेटा शीट में हम खुद बनाते हैं, स्कैनकास खुद जो डेटा शीट बनाता है वो इस डेटा शीट को अच्छे से रिफर करने के बाद बनाते हैं। बट बिगिनर लेवल के लिए आपको सिवाय पिन कॉन्फ़िगरेशन के कुछ नहीं देखना होगा। पिन कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद में, एंड बिलीव मी 90% ऑफ द टाइम इसमें ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बिकॉज हमको पिन कॉन्फ़िगरेशन में क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए कि इस आईसी को सप्लाई कहाँ आता है, इस आईसी को ग्राउंड कहाँ पे आता है, इस आईसी के अंदर में इनपुट कहाँ आता है और आउटपुट कहाँ आता है। सो इसी पेज को जो है मैं एक और एक दूसरे साइट पर खोल लेता हूँ। तो यहां पर जो है मैं ओपन कर लेता हूं TLE8110EE। ओके, मेरे पास पीडीएफ भी है तो पीडीएफ ओपन कर लेता हूं। तो इसको सेम चीज मैं इसमें आ जाता हूं पिन कॉन्फ़िगरेशन पर। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमको इसमें से चाहिए क्या, सवाल उठता है कि हमको इसमें से चाहिए क्या। जैसे मैंने कहा इसमें से आपको जो डिटेल्स चाहिए वो है सप्लाई, आपको पता करना है सप्लाई कौन से पिन पे आता है,
आपको पता करना है ग्राउंड कौन से पिन पे आता है, और सारे पिन, सप्लाई के सारे पिन, ग्राउंड के सारे पिन। उसके बाद में आपको पता करना है इनपुट कौन से पिन पे आता है, और आपको पता करना है आउटपुट कौन से पिन पे आता है। अब देखो ये बिगिनर लेवल के लिए ये तीन चार चीजें भी अगर मिल जाए तो बहुत है हमारे लिए, बिकॉज मैक्सिमम प्रॉब्लम मैंने जैसे कहा इसमें सॉल्व हो जाएगी। ये चार चीजें हमको ढूंढ के निकालनी है पूरे पीडीएफ के अंदर से। ओके अब यहां अगर आप पीडीएफ में देखोगे तो हमारे पास में यहां पर सारे शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए, करेक्ट है? ये जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में सारे छोटे 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 फॉर्म्स के अंदर दिया हुआ है सब कुछ। अब ये शॉर्ट फॉर्म्स तो दिया हुआ है हमारा, तो ग्राउंड पी इन, पी इन वन, पी इन टू, ई एन, आर एस टी, इन थ्री, इन फोर, ये वीडीडी, वीसीसी, ये सब है क्या? तो अच्छी बात मैं बताता हूं, अच्छी बात ये है कि अवेलेबल होता है यहीं पर, इसी के नीचे सब कुछ लिख के दिया होता है कि कौन से शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है। तो जैसे जीएनडी दिया है, पी इन दिया हुआ है, तो मैं यहां स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा तो यहां देखिए पिन डेफिनेशन एंड फंक्शन में नाउ 80% ऑफ द टाइम्स ये जो टेबल है ये आपके आईसी के डायग्राम के ठीक नीचे या ऊपर ही होगा। ओके अब याद रखिएगा अलग अलग आईसी में, आईसी की डेटा शीट में जाएंगे, डायग्राम कभी साइड में होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, क्योंकि आईसी छोटी होगी तो बहुत जगह लगेगी नहीं, एक साइड में दे देंगे वो, बाजू में उसके सारा टेबल दे देंगे कौन सी ले क्या काम कर रही। आईसी बड़ी होगी तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ऐसे देंगे। नाउ हमको चाहिए ग्राउंड किस किस पिन पे आता है, तो सबसे पहले तो हमको पता करना है शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जीएनडी का मतलब क्या होता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो देखिए जीएनडी का मतलब होता है, ओके जीएनडी का मतलब होता है ग्राउंड। अब ये तो ऑलरेडी कई लोगों ने समझ ही लिया होगा खुद से कि यार जीएनडी तो सर ग्राउंड होता है, ये तो हम भी देखते हैं। फिर बात आती है अब इसके अंदर सप्लाई कहां से आ रहा है, यानी जहां भी जीएनडी लिखा हुआ है वो ग्राउंड है। अब सप्लाई के लिए आप देखिए ये पूरे टेबल के अंदर में यहां देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया होता है ना, ये फंक्शन हमारे बहुत काम आता है। ये फंक्शन हमको बताता है कि ये हर एक शॉर्ट फॉर्म जो है वो कर क्या रहा है, या हर पिन मेरी जो है वो कर क्या रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पैरेलल इनपुट पिन, पैरेलल इनपुट पिन, एनेबल इनपुट पिन, रीसेट इनपुट पिन, फिर पैरेलल इनपुट पिन, पैरेलल इनपुट, एनालॉग सप्लाई वोल्टेज। तो यहां पर देखिए लिख करके दे दिया सप्लाई वोल्टेज, ओके यानी यहां पर सप्लाई आएगा। साथ ही साथ देखिए 10 नंबर पे भी दिया है सप्लाई वोल्टेज। अब इसके अलावा कहीं भी अगर मैं देखूं तो मुझे सप्लाई नहीं मिल रहा, ग्राउंड मुझे कहीं जगह मिल रहा है बट सप्लाई दो ही है, एंड जनरली एक से ज्यादा सप्लाई होता नहीं है। बहुत रेयरली जो है ना आईसीज को दो या तीन या चार सप्लाई होते हैं, कंट्रोलर को बहुत सारे होते हैं बट बाकी आईसीज को दो या तीन, एक से दो ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा, जल्दी एक से ज्यादा भी देखने के लिए नहीं मिलता है। यहां दो दिए हुए हैं। तो याद रखिए आप सिंपल सी बात है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को चालू होने के लिए सप्लाई ग्राउंड चाहिए, यानी आपको सबसे पहले सप्लाई और ग्राउंड चेक करना होगा। सप्लाई पे आपको 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं चेक करना होगा, ग्राउंडिंग पे प्रॉपर ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी आ रही है नहीं चेक करना होगा, इसका मतलब आपका आईसी जो है वो ओके है अगर ये दो चीजें हो रही है। तो आगे इसके हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे आईसी को इनपुट कहां से आता है और आउटपुट कहां से आता है। सप्लाई ग्राउंड हमने देख लिया, अब चाहिए कि इनपुट कहां से आता है, आउटपुट कहां से आता है। ओके अब इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए हमारे पास यहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि पी इन वन जो है ये इनपुट पिन वन है, यानी अगर हम ट्रैकिंग करते हुए हमारे पिन नंबर वन पे आए, और फिलहाल ये ड्राइवर आईसी है तो आप पिन नंबर वन पे ट्रैकिंग करते हुए पिन से कभी नहीं आओगे, आप आओगे पिन से सीधे आउटपुट की पिन पर, बिकॉज ये आईसी आउटपुट चलाती है और इनपुट इसको अंदर ही कंट्रोलर से आएगा। तो आउटपुट चलाने के लिए इसके आउटपुट पे आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, आप आए थे इसके पिन नंबर लेट्स से आप आए थे इसके पिन नंबर 26 पे, अब 26 नंबर पिन पे आए, आपने डेटा शीट खोली, आपने देखा ये डायग्राम निकाला, ये पीडीएफ निकाला, देन आपने देखा सप्लाई कहाँ है, ग्राउंड कहाँ है, एंड साथ ही साथ आपने देखा कि आउटपुट की और इनपुट की लेग कौन सी। अब उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपकी टांग कौन सी है। तो यहां लेट से मैं 26 नंबर टांग पे आया, 26 यहां पे मुझे दिख रहा है आउट 3 लिखा हुआ है, यानी एक चीज क्लियर हो गई, यहां से मेरा आउटपुट निकल रहा है। नाउ आई नो आप लोग बोल रहे होंगे सर लेकिन कहीं कई जगह मैंने देखा था वहां तो वाई लिखा था, ए लिखा था, ई लिखा था, जेड लिखा था। यकीन याद रखिए वो नेम दिए गए हैं, ठीक है, जैसे हम वायरिंग डायग्राम मैंने कहा था वो नाम देते हैं अलग अलग, आउटपुट को ही जेड बोल देंगे, ए बोल देंगे, वाई बोल देंगे, वाई का मतलब आउटपुट, ए का मतलब इनपुट। तो नीचे टेबल में दिया होता है कि उसका मतलब क्या है। तो यहां पर हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि 26 नंबर पिन जो है यहां पर, तो देखिए ये है मेरा 26, दिस इज 26, यहां पे आउट 3 है,
जो कि ड्रेन ऑफ पावर ट्रांजिशन चैनल 3, सो लेट इट बी, वो हमारा आउट 3 आउटपुट यहां उससे पता चल रहा है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए बहुत सी चीजें आपको इसमें मिलेगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी, हमको चीजों को फिल्टर करना होगा। आउट से समझ आ जाता है कि आउटपुट की बात हो रही है, करेक्ट है, तो बाकी सारी चीजें छोड़ने दो, ड्रेन ऑफ पावर ट्रांजिस्टर चैनल 3, ड्रेन ऑफ पावर ट्रांजिस्टर छोड़ दो, उससे हमारा कोई काम नहीं है, बेसिक एंट्री लेवल पे उससे कोई काम नहीं है आपका। आउट 3 आपने देख लिया, आउटपुट 3, अब आउटपुट 3 पता चल गया, अब आउटपुट 3 चलाने के लिए इस डेटा शीट में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आउटपुट 3 चलाने के लिए मुझे इनपुट 3 चाहिए, जो कि मुझे डायग्राम से समझ आ रहा है कि यार इनपुट के अलग अलग नंबर दिए, आउटपुट के अलग अलग नंबर दिए। अब यहां पे मैं पहले देखता हूं कि यार इनपुट 3 क्या करता है, ठीक है, मैं एज्यूम नहीं, प्रिज्यूम, मैं पहले से सोच के नहीं रख रहा कि इनपुट 3 ही चलाएगा, लेट सी इनपुट 3 करता क्या है। तो यहां पर मैं अगर स्क्रोल करते हुए ऊपर जाऊं तो मुझे ढूंढना इनपुट 3, तो देखिए 6 नंबर पिन पे जो है मेरा इनपुट है, 6 नंबर पिन पर इनपुट 3 आता है, पैरेलल इनपुट पिन 3 डिफॉल्ट असाइनमेंट 2 आउटपुट चैनल 3। अब इसने बोल दिया कि जो है ना इनपुट 3 जो है वो आउटपुट 4 आउटपुट 3 को जो है चलाने वाला है, इसने क्लियरली हमको जो है बता दिया है। अगर ये ऐसे नहीं बोलता तो मैं नहीं एज्यूम करता कि भाई आउटपुट चैनल 3 जो है वो 3 से ही चलेगा, मैं नहीं एज्यूम करता, बिल्कुल हम एज्यूम नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज वो चीज आपकी पीडीएफ को बतानी है। तो सिंपली आपको यू समझ के रखना है कि आपको पूरे डेटा शीट में से इनपुट और आउटपुट ढूंढ के निकालना है, जो भी पिन पे इनपुट है या जो भी पिन पे आउटपुट है वो ढूंढ के निकालना है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका आउटपुट 26 नंबर से नहीं निकल रहा है तो पहली चीज आईसी खराब है सीधा नहीं कह सकते, हमको चाहिए कि आईसी को इनपुट मिलना चाहिए, अगर आईसी को इनपुट मिलेगा तभी तो आउटपुट निकलेगा। तो ये हमारी लाइन ट्रैकिंग और हमारे टेस्टिंग को पूरा परफेक्टली फाइनल कर लेता है कि यार 6 नंबर का पिन की लाइन ओके है तो ही मेरा आउटपुट निकलेगा, वो नहीं ओके है तो नहीं निकलेगा। तो इस तरह से जो है हम टेक्निकल डेटा शीट रीड करते हैं, एंड इसमें थोड़ा टाइम जाता है। जो डायरेक्टली अवेलेबल डेटा शीट है जिसके अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है कौन सी पिन कहाँ जाती है कितना वोल्टेज निकालती है, उसमें इतना टेंशन आपको नहीं है, वो आसानी से हो जाएगी। एंड डे बाय डे हम हर दिन नए डेटा शीट्स जो है वो बना रहे हैं, एंड हर वीक आपको अपलोड करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे। ये चीजें जो है ना आज से पहले हम सभी से छुपाई गई है, हमसे पहले भी कई सारे लोग इन चीजों को करते आए हैं, उनको पता था, वो जानते हैं, बट वो इसका बहुत ही प्रीमियम चार्ज लेते हैं जो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। आज इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर हर पर्सन की डिमांड, हर पर्सन की रिक्वायरमेंट हो चुकी है, हर पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर में रिपेयर्स करने की जरूरत पड़ती है। तो आई होप दोस्तों आपको इस पूरे वीडियो से बहुत बहुत फायदा पहुंचा होगा, थैंक यू सो मच आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। आशा करता हूं आपको मैं अपने प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम के अंदर में जरूर देखूंगा, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, गुड बाय।